उनके एक औरत त्रैनी भरत थी जी मुकदमा लड़की पई है उनका फैसला हतमी शक्ल तक लिखी पहुंचदा आपने फरमा किया इतना बड़ा मुश्किल मसला आ चुके कि तुसा फैसला नहीं लेते कर सकते आपने फरमा कि जज जी कहना है करो आज तशरीफ कहना है फैसला करो आप हमें क्या फरमा औरत मुकदमा दायर कर ली थे कि मेरी औलाद है और औलाद तब्दील की चुकी है लड़की वाले को लड़का चला गया लड़के वाले को लड़की चली गई नहीं पता लड़की कह दी है नहीं पता लड़का कहना है आपने फरमाए कोई मुश्किल है आपने दावा दायर करने वाली औरत ही है सामने खड़ी है आपने फरमाया सोना जहाँ फैसला है इन औरतों को एक कमरे के अंदर दाखिल करो और इन्हों को आपको बर्तन के अंदर अपना अपना दूध दे अपना अपना दूध बर्तन में जमा करो हत्ता के जल दूध बर्तन में जमा किया आपने फरमाया उमर सिंह जी फरमाया कोई तराजू ही है सरेके कोई तरकड़ी है कंडा ही है उनके जी तरकड़ी है कंडा ही है तराजू है आप फरमाओ तराजू कंडा तरकड़ी चाव वो जल चा क्या है ना आप फरमा तेरी क्या है वहाँ के लड़की आप फरमा तेरा क्या है वहाँ के लड़का आपने गुहां दे दूध तराजू बेच रखा तराजू चाहता आपने फरमाया झूठ खड़ी बोले नहीं है लड़की है ना लड़का है और बताएं आखिर लड़का है कभी लड़की है आपने फरमाया दोस्ती चुकी में अखज की थे लड़की होता है लड़का होता है क्या को पता कि वो चल चुके आपने फरमाया मैं कोई आपे का थे कुरान ना आपने मैं कितना अपने मुकद्दस कलाम के अंदर चात्मा यूसी को मुल्ला हो भी औलाद को दिखा करे मिस्र हर सिर कौन सजाए जनन बुजुर्ग की दुनिया भी जो पैदा कर बने और जनन उन्हें अंदर तरका तकसीम की वे वरासत तकसीम की वे जयदाद तकसीम की वे बेटियों में तो कोई एक हिस्सा निभा है बेटा होवे तो को भी वो हिस्सा निभा है जिमे जयदाद तरके दे जिमे तकसीम बेटी का एक हिस्सा बेटे दे दो हिस्से जिमे माँ दे दूध अगर होसी लड़का तो दूध होसी वजनी होसी लड़की का दूध होसी अल्लाह जिमे जयदाद हिस्सा तू बनाए लड़के का पता चल गया नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे के अबू बकर सिद्दीक अल्लाह अकबर कमाल तो इतना ही है कि जब दर्रे रसूल के ऊपर पहुंचते हैं तब उन वक्त आप आका करीम की बुलंद पाक बारगाह है काशाने नबूवत उत्ते ही पहुंचते अदब को मतलब उसे खातिर जरूर रखते हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया जब दरबारे मुहम्मदिया में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर पहुंचे तो आपके दिल की एक हसरत आई आपने फरमाया दीदार दी तलब तपन थी चुके शौक की डर है सरे के जाके चा नबी से मस्ते मुंह जीरा दिए बे क्या संगत दीदार तक ही किया आप हमने जले में दरे हबीब ते पहुंचा तो नबी से दरवाजा पे वक्त वल्ला भी आए माना कहना भी आज भी मेरे ख्याल दे दरवाजा वल्ला भी आवे तो पता लग में ले तो दरवाजा मारा भी आवे वाली पता लग में ले कमाल है तुहाडा दरवाजा मारा भी होवे फकीर नहीं आना तुहाडा दरवाजा बंद होवे तो फकीर नहीं आना साडा दरवाजा बंद होवे फकीर नहीं आना अगर नबी दा दरवाजा ही बंद थी गया कायम है तब दसाओ तो सही जन ओ दरवाजा ही बंद थी गया मतलब तू दरवाजे के ऊपर अल्लाह की दात के बाद पिया जहां ने दरवाजा बनाया है रब फरमा कायनात के गरीबा दा दरवाजा ही तो एक है सुभान अल्लाह कायनात में
नबियां दा दरवाजा है कोई ऐसा जिते जड़न दी कई चीज दे मंगण दी जरूरत थी दुनिया दे हर सखी दा दरवाजा बंद थी वैसी पर क्यामत तक मेरे मोहम्मद दा रूह बंद है सुभान अल्लाह ये वजह वास्ते नसीर मिलना छोटे
ढेर सारे बड़े उस्ताद बैठे हैं मेरे ख्याल देखो हले बेली भक्ति वाले कैसा पड़ी हो गया हूँ तो रहमानी तशरीफ घेन आया नूरानी तशरीफ घेन आया हूँ मेरे ख्याल से हूँ तो इल्म तजवीद फवायद मक्किया और मेरे ख्याल से हूँ तो जजरी तशरीफ घेन आई है और मेरे ख्याल से असा तो लफ्जों की सुजाण करें करें त्रे साल ला दिते हैं सब तो उस्ताद ने हार दिता है हा कितों निकलती है हे कितों निकलती है मेरे ख्याल उस्ताद जी आख दिता है ते कितों निकलती है तोए कितों निकलती है सब पता उस्ताद आख दिता है हमजा कितों निकलती है आयन कितों निकलती है ये तो उस्ताद जी गिटी गिची में हल्कों में जल्द हाथ रखते हैं तो अंगूठा देने ना आयन कौन निकलती है और जल्द वापस आयो से दापा जी की खिदमत सारे की तरफ से चंगे उस्ताद ने गाढ़े फेंक की देवे हाली तक का गिची कोई दार दे अल्लाह जी ने फरमाया कि आप ना हाली तक आयन वधे खड़े ने सदके थी मना उना बिकाऊ ना खाना तो खुदा की कसम जी ना 35 रुपए की किताब दी दिए जिना 35 रुपए की किताब दी दिए बापे तो रखते पोतरा तक हाली ही कनात पे पड़े दिए ते डिमांड 80,000 सदके थी मना खुदा की कसम 80,000 गिनन वाला ये मदरसे नहीं चला सकता खुदा की कसम मदरसा वो चले सी के दिल च दीन का दर्द हो दीन दा दर्द रखन वाला एक ना मंगता कह नहीं होता वो बस दीवा पाल दे रख दे परवाने खुद को मत तशरीफ है जलन के बंदा वाहे खुदा वास्ते अपने आप को बुलंद कर देवे और वाहे खुदा के बाप कर देवे अल्लाह फरमाने वालों की मदद बंदे ही कर दे खुद नाल मदद में खुदा खास करे सुभान अल्लाह आज भी शूमी किस्मत असा अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम दा हुजरा देखूं जा ता मेरे ख्याल दे सारिया मस्जिद या सफाई उठाई हो सन लोटे उठाई हो सन मेरे ख्याल दे इमाम मैया तरह फटाई उठाई हो सी ते मैया तरह खाती उठाई हो सी ते उस्ताद रा समझे उठाई हो सन तो सोना ना खाना तो वाइन के देखो जिना दे अटैच बात ते 17 लाख रुपया लगा पहले साउ तो सही है सतो को नातन दे पैसे दी ध्यान दीन को चलावन वास्ते तो को लैटरीन ते लावन वास्ते तक कहना दीते आसे मगर खुदा की कसम है जमात आले सुन्नत विच रहते इका गाल आज करना चाहना अगर तुसा अपनी कौम दे विच 2 लाख की नात खान दी कौम पैदा करो ए ना कुर्बानी ते लगदे हाय हाय अल्लाह की कसम है सदके ते लगदे ना ए खत्मे नबुवत ते पाहे ते लगदे खत्मे नबुवत ते पाहे ते जन्नत नहीं लग सकी या शायखुल हदीस लग सकी या हाफिज सुभान अल्लाह उस्ताद वहाँ के हाँ हिट भी है कितना फरमाए फिजाबाद बैठे वहाँ के वो कड़ी जा दे फरमाए दरिया के किनारे पे बैठे फरमाए जो का जल्दी कुरान पढ़े सी मैंने साले तक पढ़ाए छुड़े सी ना कि कोई इतने बड़ी तिखा है अल्लाह वक्त पर वहाँ के वाल खैर कोर भी आवाज वहाँ के कड़ी जा देते वहाँ के एक बड़ा सारा जवान बैठे जितना खुदा बा खुदा पाक से की खिदमत जा देते हुजूर बाल को पढ़ावन आया आपने फरमाया चोखा जल्दी पढ़ा देवा वो के मैं दादा ही ने आए थे हम वापस पे वनी हाथ देखो आप ने वाल ईदे को तीखा पढ़ने वाल मुल्तान दिया भाई अल्लाह अकबर हुजूर मुल्तान की था मैंने आपने फरमाया सारी मदिया मदिया दुकान है मदरसे माशाल्लाह दुकान मदरसे अल्लाह अकबर बड़े बड़े मदारिस हैं बड़े बड़े जामियात हैं मैं किन देश बनया आपने फरमाया बस इन्हें वे समझे नहीं कि बाबा बैठा हो सी वहाँ केवल मदरसे का नाम थे बाबे का नाम क्या है पर मैं उनका ना हाफिज जमाल हाफिज जमाल अल्लाह मुल्तानी से इनकी खिदमत है जो तशरीफ ये कहते हैं मेरे वक्त असर रहे और आज भी सारे बुजुर्ग ना ये मामूल है ये असर के बाद ज्यादा कलाम ही नहीं करेंगे वजाइफ गुजरे ने और असर के बाद पानी भी नहीं पीते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कोशिश किया करो मेरे ख्याल से आज तक अगर मीठे की होटल की थीम नहीं होता असर तो बात पीते मेरे ख्याल से अगर बर्फ गोला ही खाना होता असर तो बात खा लीजिए मेरे ख्याल से अगर कोई ड्रिंक कारण से पहुंच होगी तो मेरे ख्याल से असर तो बात पानी की नहीं देगी असर तो बात सारे बजुर्ग पानी को चंद देर वास्ते रोका क्यों है
जब इंसान दुनिया में पलदा करेगा भी आंदे तो उसको वक्त असर का नजर आंदे और जिस वक्त सकरात लगी हुई होते बंदे को पानी पिलाओ जा इतना प्यासा होंगे कि अगर सत्ते समंदर ही पिला रहे हो उनकी प्यास नहीं बुझती। सारे बुजुर्ग परमिंदर आदत वाले बने नहीं आए अल्लाह अकबर आदत वाले बने ने इंगले पीसू कहना मंगसू कहना आपने फरमा तू संपो बाबा आपने पाल को फरमाया आपने वाल जी में मैं कराऊं करें पीर साहब नमाज मगरब नमाज इशा के बाद लंगर तकसीम की दा सारी रात पीर की इबादत पे ना करें पाल ही ना हो ताजर बेटे पढ़ दिन बाद ताजर नाच पड़ी जरे ताजर का काम किया आपने बच्चे को बता बच्चा का के फरमा कहते हैं आपने मौजूदा आपने सजे पास उठी कर बच्चा जरे सजे पास उठी करा आपने नमाज मुकम्मल अदा की थी सलाम फेरा सलाम फेरते मतलब बच्चा करते फरमा सुनावा कुरान बच्चे ने अल्हम्दुलिल्लाह के बन्ना तक सारा कुरान सुनाया मैं जनाब को पूछना चाहना मेरे पीर नसीर सच आप लीता है आप एक मत पिलवाते वो हैं पिलवाते वो हैं जिनकी नजर में कुछ हो कंगाल भरेगा क्या किसी का कशकोल अरे देते हैं भीख वो जिनके घर में कुछ हो आज भी मैं तोलाबाद की खिदमत अर्ज करें ना अगर कहीं मिले मदरसा तो ज्यादा जल्दी छुट्टी थी बने तो पिछला टाइम कहीं बाहर की चोटे से लगे करो कहीं बाहर के कदम रह गए असम पीर के बाल हैं साहबजादे सलीले हासे गल कटे गए विगड़ी काटे गए हैं तो तबाही बड़े थे हैं मगर हिका कोशिश करे दे आसे जल्द असर के टाइम देते तो टाइम खुला मिल हो गया तो मगरब तो बाद थोड़े जी आसानी थी बने हाँ तो मदरसे की पाबंदी ना हो गया और इनके हाथ जमात में कदम है आज भी मेरे को याद है छोटा जी हम अजा पुरानी मजीद हिफ्स करें ना सतारवा सिपाहे का जेड़े रकू है मेरा सबक है मेरे को आज भी याद है लफ्ज़ बा लफ्ज़ अब्बा जी ना हूं जी मरा मेरे को कहना है अद्धे तुलावा के जेल दरबार का कहना है टांगे दुते आयो से अब्बा जी ना मेरे को मंजर सुन दिया पर मैं मंजर सुने दा आयो दो लफ्ज़ मेरे को अटके वो भी मेरे को आज तक याद है जेले ऐसा हाफिज जमाल सी दे कदम में पूछो से अब्बा जी ना मेरा सिर झुकवाया आप दा पूरा खिलाफ मेरे सिर पे पाता और आज भी लफ्ज़ मेरे कन्ने च गूंज दे खड़े अब्बा जी ना हाफिज साहब दी खिदमत च अर्ज कीता फरमाया बाल दीती बेना बाल दीती बेना के बाल हूं मेरे आदे त्वारे को पुत्री घेन वैसा जने बाल हाफिज हो अब्बा जी ना एक कुछ सपोर्ट कीता वापस में घेन दे छोले पढ़ा दे तो नहीं पीरा दा बाल निकटी का जहाँ कमजोरी का जहाँ निशियानी डाढ़ाई भुलन की बीमारी डाढ़ी आई पर हाफिज जमाल दे दरबार दे जन्म दे छोले खा देना हाफिज तेजी का डाढ़ती मैं तारे को पूछता हाफिज जमाल दी दरबार दे जरा छोले खावे उनका ता हाफिज तेज की मैंने एक दफा वाल आखा जा हाफिज जमाल दी दरबार दे जरे चने खावे उनका ता हाफिज तेज की मैंने एक दफा वाल आखा जा हाफिज जमाल दी दरबार दे जरा छोले खावे उनका ता हाफिज तेज की मैंने ते जरा मोहम्मद दी लुआब चूसे जरा मुस्तफा बचपन जा
सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने साईं के दरवाजे पे पहुंचा तो दरवाजा बंद ना है, दरवाजा बंद आ गया। अल्लाह अकबर। ये तारीख ही खुद सुना है, डेफिनेशन याद करा है कि वलादत की में दरवाजा रखी थे, बाहर के दरवाजा की में रखी थे। आप फरमाते हैं हालत जो आया ना उन तजस्सुस की दुनिया दाखिल किया, दरवाजा खड़कावा खोल आई सद मारा सुचेता खड़ा क्या लिखे अंदर का इंसान बोल दिया वो कि खड़का था मैं कि अगर दरवाजा खड़कावा आवाज़ ऊंची थी वैसी कि जो नबी की आवाज़ तो आवाज़ ऊंची चक्कर है अंतहबा आमाल हो तुम पान तुम लातश हो आमाल सारी जिंदगी लजब थी वे क्या करा अब जल्दी ना दिल बल आखा इन्हें कर खड़के ना नहीं दरवाज़ा चलो ये कुछ न कर अंदर चला मैं क्या आखसन अरब दे लोग बेटी की तो मैं बाबू खड़ दे पहले इजाज़त दिन देगा अंदर दे इंसान आखा इश्क खड़ा है वहाँ के कई गैर आते दरवाजे ते खड़ा अगर मार रही वैसा चौखट तो मोहम्मद दी इकबाल भी इतना इंसाफ नहीं ना होते जब नबी की मोहब्बत का मामला आवे ना बल अकल को काम ना किया करो इश्क को सजा करो क्यों हुजूर अकल क्या है आप मैं अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख अकल अय्यार है सौ भेस बना लेती है इश्क बेचारा न मुल्ला न जाहिर न हकीम मुल्ला पता नहीं क्या को आके जाहिर पता नहीं क्या को आके हकीम पता नहीं क्या को आके ये इश्क न मुल्ला ही वे न जाहिर ही वे न हकीम ही वे ये आधे भावे तू जेड़ा ही पढ़ा लिखा है पढ़ाई छोड़ मेरे को मेल ये आधे तू जेड़ा ही कुत्ता की परहेजगार है तू सब को छोड़ मेरे को मेरे ये याद है भामे तू बीमार है मेरे को दीदार कर ला मैं डाटा मुझ आया ये कायनात इस बात की कोई तब बंदा आँख नहीं दे ते जगन भी कोई बंदा अपने महबूबा नाल इश्क कर नहीं दे बल्कि ये चीज़ नहीं देता बल जगले कोई बीमार थी बंदे बल्कि बीमारी बीमार नहीं थी होती वो बीमारी मुंह जानी होती है ते कहीं बाबे बेहतर अपनी जुबान की जो आग बिताई पूड़िया के सीरम सादी दवा नहीं किसे दवा नाल होनी शिफा नहीं दीदार तेना सादी दवाई है अल्लाह अकबर दीदार तेना सादी दवाई है सारी उम्र भी या कमाइए जग छट के सारा जग छट के सारा एक तेरे नाल लाई अल्लाह अकबर सारी उम्र भी या कमाइए सारी उम्र भी या कमाइए सारी कुछ कुछ मौलवी की जबान समझी करो कुछ कुछ मौलवी का इशारा समझा करो क्योंकि मेरी ड्राइविंग की काम नहीं आती रोडा तो जो बोर्ड खड़े ना कुछ उन्होंने सहारा ही दिता करो अल्लाह बहुत बस आप फरमाते हैं जब इतना ही खड़ा हम और करण दे करा क्या एली आ गए कौन आ गए एली आ गए मैं इर्तदा तो रखे हूँ तक या एली का तस्करा करें ना खड़ा या सिद्दीक का तस्करा करें ना अल्लाह अकबर एली आ गए की में खड़े सिद्दीक पर मैं सही वास्ते मुंह झुका दिया ये दिल की दे खोला खड़का साथ मारा आप मैं बोल मैं मेरा इंतजार किया है आप मैं सही दे करीब इवे तू सा दरवाजा खोलो जा आपने फरमाया मैं दरवाजा नहीं खोलेगा क्यों आपने फरमाया तुम्हारा शान ऊंचा तुम्हारी इज्जत सोनी और तुम्हारा वकार बुलंद तो आगे होने पहल मैं करा तवज्जो कराए तो आगे होने पहल मैं करा के काय आके पहली के को आके ने सिद्दीक को के को आके ने सिद्दीक अकबर को मैं जनाब को पूछता हजरत सैयदी अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से फरमाने मौला री सरकार बोल पे आपने फरमाया सुना तुम्हारा शान ऊंचा है तुम्हारा मकाम ही बुलंद है फरमाया की में फरमाया कि मेरा सही पुर बैठा आदम जाते बाद फरमाया नबियां दे बाद अगर मेरी उम्मत में अफजल तरीन शख्स ले दे तो सिद्दीक अकबर को चले तो सही की उम्मत में अफजल को सही रहे मेरी कहीं चुरा दे तुम्हारे तो पहले को आ बोला मोहम्मद अबू भाई को हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मैं वाकई सच्ची गाल है पर ऐ ऐली तुम्हारे बारे में सुन रहा पर मैं आगे भी जाते बाद तुम्हारे मेरी उम्मत है जय बंदे सोने को देखना में ऐली को चले जब तू नबी आके सोना उनसे तो पहल मैं क्यों करा नबी का दरवाजा ही तुसा खोलो आपने फरमाया वाकई सच्ची गाल है पर ऐ
अबू बकर के बारे में सुनी वाला क्या फरमाया खुदा कयामत के मैदान जलाल है तोसी कई की जुर्रत कहना थी रब के सामने कलाम करे अल्लाह जा के बाद चेहरा मोहम्मद दी देखे मुस्करा पोसे रब की जात पाक परमेश्वर मोहम्मद जी मौला फरमाया सिद्दीक अकबर की तरह फरमाया मेरे कोल मौजूद है अल्लाह परमेश्वर एक दिन और जन्नत दिया चाबिया सच्ची गल बोला जलन चेहरा नबी दे सीने नाल मुशाबियत रख दे मेरी कई जुरत है तुहाडे तो पहले दरवाजा खोला मोहम्मद दा दरवाजा ही तुसा खोलो फरमाया वाकई सच्ची गल है पर तुहाडे बारे मोहम्मद कोल मैं सुने मैं क्या यानी आक दी जाते पाक फरमाया जाए यूसुफ दा हुस्न देखना वे अली दी टोर चले फरमाया जले खुदा दी जाते पाक ने तुहाको इतना वजह कमाल अता कर दी मेरी कई जुरत है तुहाडे तो पहले दरवाजा खोला मोहम्मद दा दरवाजा ही तुसा खोलो फरमाया वाकई सच्ची गल है पर अबू बकर तुहाडे बारे मोहम्मद कोल मैं सुनी वजह फरमाया क्या दरवाजा खोला मोहम्मद का दरवाजा ही तुसा खोलो आप मैं वाकई सच्ची गल है पर अली तुहाडे बारे मैं ही सुनी वदा आप मैं क्या जने सरकार की जाते पाक फरमाया जय मोहम्मद की जान देखनी होवे अली कुछ देखे जने साईं दी समझ आ
अगर वाल मजीद आवाज तान करे तो वाल दसाए जमे वाल पढ़वा गी माशाल्लाह सब कहीं कहीं मेरे चले गए ना तो वाल सारे को तो मुरवानी है चंगिया ने अपने सौ रात चाहिए ओवे हां मतलब आपना सिस्टम क्योंकि इधर उस्ताद जी और फॉर्म में कोलादा की थे किबला कारी से बड़ा कोलादा की थे किबला हजरत जी और कोलादा की थे नकीब से कोलादा की था लाले सोन अलग कोलादा की था एक मखलूक डा गम दिए एक को फोन करो चा सोन दिया अपना तशरीफ की दिया मैं क्या सब कहती बनिया सोन के बगैर तो ना नाद पड़ी दी ना तिलावत की अल्लाह दीन को दीन दिहाद ना औरत पढ़ सकती है तिलावत ही कर सकती है तकरीर ही कर सकती है मगर चार दीवारी तो बाहर आवाज मैं हूँ रंगा का मिलाद पढ़ के ना बोला मां मौजूद है कदम छाड़ दे आखना चाहना रन्ना का मिलाद कहने तो मिलाद सिर्फ मोहम्मद है जी अगर ये भी रन्ना की तकरीर का ढंग भी सोनी लगे कि मेरे जुम्मे की मेरा दावत रहे हो जा खुदा की कसम है जेड़ी मुबल्लिगा जामे मस्जिद में तशरीफ लाएगी बंदे माए तो नहीं गए Hey!
ਬੋਲੋ ਜੀਰੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 28 ਚੱਕ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਕਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਲੋ ਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਬਹਾਨ ਵਾਲ ਕੀ ਮੈਂ ਕਿ ਰੋਡ ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਉੱਥਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਕਰਦਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਲਾ ਕਰੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਆਮੀਨ ਆਖਰੀ ਬਲਾਸ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੋ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬੀ ਬਣਤਾ ਹੂੰ ਤੋ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ मतलबी बनता हूँ तो जमीर देता है ताने मुखलिस होता हूँ तो जमाना जीने में गाना।